हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं जा रही हूँ उस घर पे, यहाँ का काम थोड़ा सा बचा हुआ है। और पापा के ले लिए मैंने रोटी। और ये जो है हमारे नीचे बैठी है, ये जो पशु है देख लो, इसके सारे बाल उड़ गए, पता नहीं क्यों, लेकिन इसके बाल कम होते जा रहे हैं यहाँ से। और पूछ तो बिल्कुल ही बेचारी की, दिखाए तेरी पूछ, ये देखो कैसी रह गई। नहीं तो इतने अच्छे बाल थे इसके, बहुत जबरजुली थी। पैरों के भी उठ गए इतनी दूर में, नीचे हैं ऊपर हैं और इतनी दूर में उठ गए। और रोटियां नहीं खा रही है, ले पुसु उस साइड रख देगी लेके। पुसु ले बेटा, ये और ले ले, नहीं लेनी, खा ले, गरम रोटी है घी लगा के, इसको घी की पसंद है, इसको कैसी भी डाल दो, ये खा चुका है अपनी रोटियां। और इसकी ये रखी है, बिल्कुल भी नहीं खा रही। कर देती हूँ गेट बंद, लेट हो जाऊंगी, उस घर पे जाऊंगी। गाय भैंसों को पानी पिला के आ रही हूँ, पानी पिला के और गोबर बारी करके थोड़ा सा। और क्या काम है, बस चाट तारने और कुछ नहीं है। सुबह करके आ गई थी, लेकिन अभी ये थोड़ा सा बचा हुआ है, अंदर बांध नहीं है, टीना नीचे बांध के आ जाऊंगी। अब खानी शुरू करी है, अब उस घर में जाना है ना मैंने, पर मैं लेट हो जाऊंगी इस वजह से, देख लो। तो मैं गेट बंद कर देती हूँ, फिर जा रही हूँ। गेहूं में काम करके उस घर का और पसीना देख लो, ऐसा मौसम है और फिर भी पसीना इतना आ रहा है। और अब चलाऊंगी बाहर बैठ कर कूलर। कूलर चल पड़ा है और पापा ने बोला कि भाई बोला बाहर ही रहने दे डांगर ने। और मतलब बाहर ही रहने दे बेटा, अंदर तो गर्मी है, बाहर अच्छा मौसम है तो काम निकलेगा तो बांध जाएंगे, इतना मुँह मारी जाएंगे चली जाएंगी। और गर्मी इतनी भयंकर है, शाम तक शायद बारिश आ जा, कितने तो आएगी मारे, नहीं तो कितने तो आना है। और कूलर चल रहा है, आवाज कम आ रही हो तो सॉरी। अभी थोड़ी देर आराम कर लूँ, पसीना सुखा गया, फिर झाड़ू पोछा कर लूँगी, काम खत्म, फिर नहाए धोई। और ये निशान देखो रह गया, ये निशान किस चीज की जाऊँ बताइए। जी सागा, बहुत गर्मी, मेरे झाड़ू पोछे हो गए हैं और अंदर के भी हो गए हैं, सारे कर दिए मैंने। और मेरे झाड़ू पोछे हो के और इधर लगा दी मैंने मशीन, ये देखो कपड़े धुल गए हैं, ये तो धुल गए हैं, ये बचे हैं और थोड़े से ये बचे हैं। और ऊपर पानी चढ़ा दूंगी, आज पानी आएगा, नलका होंगे तो ऊपर पानी चढ़ाना है, पहले ऊपर पानी चढ़ा दूं। ये देखो यहाँ के सारा झाड़ू पोछा कर दिया मैंने और पानी चढ़ा दूँ हूँ, बाद में नलका आ गया तो ऊपर नहीं चढ़ाना पड़ेगा, फिर ये इस पाउंड में पड़ा जाएगा पानी, बस ये भरना है फिर। और इधर बैठी थी मैं और अभी नहा लेती हूँ, साथ के साथ ये कपड़े भी धुल जाएंगे, तो मिलती हूँ नहाने के बाद। मैं नहा ली और अब खा रही हूँ पेठा, जिसे जिसने अभी पेठा खाना हो आ जाओ। और मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, बस यही काम है, कपड़े धोते ही सारा काम खत्म करते हैं यहीं पे एंड, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना न्यू हो तो, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।